हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी, मैं रमजान सर। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीबीएसई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज ये बहुत ही खुशखबरी मिलने जा रही है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स लागू होगा या नहीं होगा, क्या सीबीएसई ने इस पर खुलासा किया है या नहीं हुआ है, या इस वेटेज क्या रखने वाली है सीबीएसई, तो आज मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। देखिए ये न्यूज इंडिया टूडे की तरफ से आया है, आप लोग को पता होगा। एक मिनट, देखो ये न्यूज इंडिया के तरफ से आया है, इंडिया टुडे के तरफ से यहां पर लिखा गया है कि सीबीएसई छात्रों ने ट्रेंड किया है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज, क्या सीबीएसई सुनेगा, ये क्वेश्चन मार्क्स आ गया, क्या सीबीएसई सुनेगी। चलिए अब पूरी डिटेल्स में मैं इसको समझा देता हूं। सीबीएसई बोर्ड परिणाम 2022 कक्षा 10 और 12 के छात्रों ने ट्विटर पे बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड करना शुरू कर दिया है और सीबीएसई से मांग की जा रही है कि वह विषयवार टर्म टर्म टू के परिणामों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करें। जी हां मेरे साथियों, अब लाखों बच्चे अब ट्रेंड कर रहे हैं, सीबीएसई को ट्वीट कर रहे हैं कि अब बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए और होगा, जरूर होगा, ये मेरी आत्मविश्वास कर रहा है। और आप लोग हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना, और इसमें पूरी डिटेल्स में देखो, ये पूरे डिटेल्स में समझो, ये 7 तारीख का ये न्यूज आया है इंडिया टुडे के तरफ से। इसमें सारी जानकारी देखिए, ये क्या बताया गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्र बहुप्रतीक्षित सीबीएसई बोर्ड परिणाम 2022 घोषित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, रिजल्ट बहुत ही जल्द आने ही वाले हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम 2022 की घोषणा के बारे में कई अटकलों के साथ छात्र चिंतित है। जी हाँ, सीबीएसई का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हो रहा है, घोषित होने से पहले सभी बच्चे परेशान हैं, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट तो हमारा आ जाएगा, लेकिन वेटेज क्या होगा ये सीबीएसई अभी क्लियर नहीं कर पा रही है। तो ये थोड़ा ये झलक रहा है कि ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा ही आएगा बेस्ट ऑफ आइदर टर्म से। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, देखो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये टर्म टू का परीक्षा अब जो है अप्रैल से जून तक के आयोजित की गई थी। जी हाँ, पंद्रह जून तक के चला था। अब यहाँ पर और भी कहा गया है कि देखिए, टर्म वन परीक्षा प्रकृति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न थी और टर्म टू में जो है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जी हाँ, आप लोग को तो पता है टर्म वन में ऑब्जेक्टिव था, टर्म टू में सब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ, ज़्यादातर बच्चों का सब्जेक्टिव में हुआ, टर्म टू में हुआ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका टर्म टू अच्छा गया है लेकिन टर्म वन खराब गया है। तो दोनों तरह का स्टूडेंट है इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखो न्यूज में क्या कहा गया है, देखिए विद्यार्थियों ने सवाल किया है, देखिए कि पिछले साल कोविड-19 की स्थिति और बोर्ड परीक्षा में अचानक बदलाव के साथ कई छात्र वेटेज सिस्टम को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और अप्रैल में सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित होना शुरू हुआ था, है ना, जिसमें कहा गया था कि सीबीएसई टर्म वन और टर्म टू का परीक्षाओं के लिए वेटेज सिस्टम पर अपना निर्णय लिया गया है। हालांकि यह पूरी तरह से फर्जी नोटिस था। जी हाँ, ये अप्रैल में एक न्यूज जो आया था कि 30 और 70 का वेटेज होने वाला है। जी हां, देखो ये टर्म वन और टर्म टू परीक्षाओं का वेटेज 30 और 70 का होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से, ये देखो हालांकि यह नोटिस पूरी तरह से फर्जी था, सीबीएसई ने कुछ भी वेटेज का सिस्टम नहीं दिया था, कुछ न्यूज चैनल वाले जो है अपने से बना करके और सोशल मीडिया पर फैला दिए हैं और इससे काफी बच्चे परेशान है कि 30-70 से बनेगा तो मेरा रिजल्ट खराब आएगा। देखो ये वही जो न्यूज आया था, जो फेक जो अपडेट था, देखो ये पूरी तरह से फेक है, ये 30-70 जो है कदापि नहीं होगा, तो आप लोग घबराओ नहीं, ये 30-70 नहीं होगा मेरे प्रिय, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स आया, देखिए कुछ बच्चे सीबीएसई को कमेंट किए हैं, ठीक है, ट्विटर किए हैं, देखिए हालांकि तब से कक्षा 10 और 12 के छात्र उसी के बारे में अपने चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जी हाँ, जो वेटेज निकला था वो 30 और 70 का, उसको लेकर के जो है ना बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे कि आखिर 30-70 वेटेज होगा तो काफ़ी बच्चे फेल हो जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, सीबीएसई दोनों टर्म शर्तों से सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने की मांग की है। जी हाँ, अब याद रखिए, कुछ दिनों से उन्होंने बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड करना शुरू कर दिया है और कुछ दिनों से लगभग 1.5 महीने से सीबीएसई के बच्चे ने, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, सीबीएसई को ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं ट्विटर पे
पे ट्विटर पे शुरू कर दिए हैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज, तो ये ट्रेंड करना शुरू हो गया है, जरूर अब सीबीएसई सुनेगी। और भी देखिए कुछ बच्चे ट्विटर किए हैं, सीबीएसई को ट्वीट किए हैं, देखिए यहाँ पर यह क्या कहा गया है, देखिए ये जद्दू जी कमेंट किए, ये सबके फायदे के लिए है, और कई बच्चे और भी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, इनको जब क्वेश्चन पूछे हैं इनसे, ठीक है। देखो टू बोर्ड्स इट्स नेवर पॉसिबल दैट मार्क्स विल कम सेम इन टर्म वन एंड टर्म टू, जी हाँ, और न्यू सब्जेक्ट ऑफ द टर्म वन आई मे हैव वेन टेल एंड फ्यू टू टर्म टू सो इन दिस केस, है ना, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज विल बी बेनिफिट्स ऑफ एवरी वन, जी हाँ मेरे साथियों। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो कमेंट किया है, ट्वीट किया सीबीएसई को, कहने का मतलब यह है कि टर्म वन और टर्म टू सेम किसी को नहीं आया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको टर्म में 20 मार्क्स आया होगा और टर्म टू में भी 20 मार्क्स आया, ये आपको बिल्कुल नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि आपको टर्म वन में 30 आया है और टर्म टू में 30 आया है, तो ऐसा किसी को भी नहीं आया है, किसी भी बच्चे को नहीं आया है, ठीक है, किसी को कम आया तो किसी को ज्यादा आया है, ये सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन इससे फायदा होगा अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स अगर हो जाएगा, जी हाँ, तो सब्जेक्ट वाइज विल बी बेनिफिशियल एवरीवन, मतलब प्रत्येक को सभी को फायदा होगा, जी हाँ, इस तरह से सभी को बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स हो जाने से बहुत फायदा होगा। तो बच्चों मैंने फेशियल वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, और किसी भी तरह करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके आप लोग को मैं वीडियो दे रहा हूं, तो आप लोग एकदम वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, और हम हमेशा आप लोगों के साथ है मेरे बच्चों, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स एकदम जरूर होगी और हमेशा हम आप लोग के फुल्ली सपोर्ट में है, तो आप लोग बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स की डिमांड करते रहो। ये जरूर है कि सीबीएसई का जो वेटेज है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने का भी मौका है लास्ट जुलाई तक, जी हाँ, जुलाई एंड तक के आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है, तो अभी मौका है, तो मौका को मत गवाइए और सीबीएसई को ट्वीट करते रहिए और एकजुट होकर के डिमांड करते रहिए बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आप लोग को खुद पता है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स हो जाने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, एक ही बच्चे का नहीं होगा बल्कि सभी बच्चे का फायदा होगा, जी हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे दोस्तों चैनल को एकदम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल चैनल वीडियो तो आप लोग देख लेते हो जहां फेक न्यूज बताई जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोग उसके वीडियो देख लेते हो, बट जहां रियल जानकारी दी जाती है उसका वीडियो आप नहीं देखते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, बस ऐसे ही चले जाते हो, आप लोग मजाक में उसको उड़ा देते हो कि इनका तो व्यूज नहीं है, इनका तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो बच्चों मैं आप लोग से कह देना चाहता हूं, देखो वही लोग गलत करते हैं जो बड़े हो जाते हैं, जी हां, जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको पता है अगर बड़ा भी अगर गलती भी करूंगा तो मेरी गलती को इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, ऐसे लोग से बचकर रहो, ठीक है, जो YouTube पे अफवाह फैलाई जा रही है, तो जहां पर 100% रियल जानकारी दी जाती है वहां पे आप लोग का वीडियो देखो, ठीक है, आप लोग वीडियो देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।